दोस्तों प्रभास स्टारर फिल्म आदि पुरुष को लेकर हर ओर हंगामा मचा हुआ है। टीजर सामने आते ही लोगों ने इस पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी। लोगों को आदि पुरुष के टीजर में एक नहीं बल्कि कई खामियां नजर आ रही हैं। इस पर रामायण फेम अरुण गोविल का रिएक्शन सामने आया है। ये जानते हैं अरुण गोविल का इस पर क्या कहना है। आदि पुरुष का टीजर देखने के बाद लोग मेकर्स पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा रहे हैं। अरुण गोविल से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई पर उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अब उन्होंने फिल्म के टीजर पर राय रखी है। अरुण गोविल ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि बहुत वक्त से मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, उन्हें शेयर करने का समय आ गया है। वो कहते हैं कि रामायण और महाभारत जैसे जितने भी ग्रंथ और शास्त्र हैं, ये हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर हैं, ये हमारी संस्कृति हैं, जड़ हैं, सारी मानव सभ्यता के लिए एक नींव समान है। ना ही नींव को हिलाया जा सकता है और ना ही जड़ को बदला जा सकता है। नींव या जड़ के साथ किसी तरह का खिलवाड़ या छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है। हमें शास्त्रों से संस्कार मिलते हैं, जीने का आधार मिलता है। ये धरोहर हमें जीने की कला सिखाती है। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। अरुण गोविल आगे कहते हैं कि 2.5 साल पहले जब कोरोना आया था तो उसने हमारी धार्मिक भावनाओं को मजबूत किया था। कोरोना के दौरान जब रामायण का प्रसारण हुआ तो उसने विश्व का ही रिकॉर्ड बनाया। ये हमारी परंपराओं मान्यताओं का बड़ा संकेत है। 35 साल पहले बनी रामायण को जब हमारी युवा पीढ़ी ने देखा तो श्रद्धा और आस्था से देखा। अरुण गोविल ने फिल्म के मेकर्स और राइटर्स पर बात करते हुए कहा कि आपको हमारी नींव जड़ और धार्मिक संस्कृति से छेड़छाड़ करने का हक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि क्रिएटिविटी के नाम पर धर्म का मजाक बिल्कुल ना बनाएं। दोस्तों अरुण गोविल के रिएक्शन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।